हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे 6:30। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, तो मतलब मुझे पता ही था कि मैं उठने नहीं वाला हूँ, तो भी मैंने अपनी बहन को भी बोला और एक और जन को बोला उठाने के लिए। तो मतलब दोनों ने 5 बजे उठाया, मैंने बोला कि 5 मिनट सो जाता हूँ। 5 मिनट सोने के चक्कर में यहाँ पर बज गए 6:30, और मतलब मैं 6 बजे उठा ऑब्वियसली। तो बाद में नहाया, फ्रेश हुआ, सब हुआ, फिर 6:30 बज गए। गाड़ी लेके मुझे जाना है गोरेगांव, गोरेगांव से कैमरा पिकअप करना है, गोरेगांव से जाना है घाटकोपर फिर से। ओके भाई लोग, मैंने अपने कैमरा भी ले लिया, लाइट भी ले लिया, सब ले लिया, बट आज क्या थोड़ा उसने ज्यादा टाइम लगा दिया देने में। इतना शादियों का हैवी डेट से ना 4 तारीख का, अभी सब लोग ऊपर आ रहे, बोलते हैं सब लोग मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, वो बोलते मेरे को 5 मिनट बैठ जाओ, आपको करके दे दो फटाफट। 5 मिनट बैठा, अभी करके दे दिया उन्होंने। अभी लेकिन टाइम हो रहा है 7:20 और अभी मुझे घाटकोपर जाना है, बहुत लेट हो चुका है। 7:30 को मैंने सबको कॉल टाइम दिया है, सबका कॉल आ गया कि मैं किधर हूँ, मैं किधर हूँ। मैं बोला कैमरा लेने आया हूँ मैं, ये इसने कैमरा देने में थोड़ी देर कर दी है, इसके लिए मैं आ रहा हूँ फटाफट। बस गाइस हम लोग आ चुके हैं, हम लोग कॉल पर अभी कॉल करते हैं ब्राइड को, और वहाँ पर हमारे मित्र खड़े हैं जो दुल्हन के बहन है, कजिन। क्या बोलते हैं भाई, आ गए क्या सब लोग? आ रहे वही, अभी 8 मतलब लड़के लोग का कहाँ पे, अभी हम लोग जा रहे हैं लड़के वाले के यहाँ पे। तो ये ब्राइड के डैड है, हमको लेके जा रहे हैं उनके घर पे। ऋषभ जी बोलो, ऋषभ जी, ऋषभ जी हम लोग अभी आए लहंगा कहाँ पे, लहंगा वो पड़ा है, ये हैंगर है। हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पे शूट करना है, बट ये पहले रखते हैं यहाँ पे, पहले हम जाते हैं नाश्ता करने, नाश्ता, क्योंकि पेट पूजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चल रहे नाश्ता करने आते पहले। आज का नाश्ता हिंदोड़ा इडली, ब्रेड बटर। आज नाश्ता भी हो चुका है, मैंने पार्क साइड में की थी ना, तो वॉचमैन आके बोला कि भाई परसों जैसा गाड़ी लगाए थे वैसे लगा दो, तो अभी वही मुझे लगवा रहा है गाड़ी। हो गई भाई, गाड़ी भी लग चुकी है। नमस्ते सर, अभी टेंशन है कुछ नहीं, गाड़ी बराबर लग गई। ओके सर, चल गाइस। अभी हम लोग ने जस्ट गेटिंग रेडी शॉट लिया है, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ का भी शॉट लेना है हमको, क्योंकि अभी पब्लिक नहीं है तो हमको यहाँ का भी शॉट लेना है। तो मगर ये लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं मंडप बांधने के लिए, हम लोग सुबह से देख रहे हैं कभी बांध ही रहे, मतलब ये लोग जैसे हम लोग को डीले हो रहा है, क्योंकि हम लोग को नीचे जाना, भारत भी आ गई है, भारत का स्वागत का भी हमको लेना है। बट जब ये तो ये मतलब अभी क्या खाली है ना पूरा, तो इसका क्या खाली का अच्छा शॉट मिल जाएगा, बांधने का पब्लिक यहाँ पे आएगी, नाचेगी वाचेगी, पूरा बिखर बिखर जाएगा। अभी आएंगे हमारे पंडित जी, आपको बताऊंगा, पंडित जी बहुत हार्ड है। किधर है पंडित जी, किधर गया पंडित जी? जैसे आएंगे ना आपको मैं पंडित जी से मिलाता हूँ, क्योंकि पंडित जी, मैं पंडित जी आए ना जैसे मिला, और पंडित जी क्या हाल है, मतलब कुछ हाल नहीं है, ये लोग क्या काम ही नहीं कर रहे, फटाफट मेरा सामान उधर पड़ा है, मेरे को सामान जमाने का, ये करने का, वो करने का, मतलब हो जाएगा। 11 बज रहे 11 बजे का मुहूर्त था, तो आप ही सोचो भारत 11 बजे आ रही, शादी में कभी टाइम पे नहीं होता कुछ काम। गाइस हम लोग का हो चुका है पैकअप, और अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है, और हम लोग का पैकअप का टाइम था 4:30, तो अभी 8:30 जो हुआ वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ खाना खा के, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी चार्ज कम है, 2% है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही ब्लॉक कर रहा हूँ, ये चार्ज पे रखता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ 8:30 क्यों बजा। तो हाँ मैं यही कहना चाह रहा था 8:30 क्यों बजा हमको पैकअप करते करते, जो 8 बजे का मुहूर्त था, और ये ट्रांसफर हो रहा है अभी 8 मिनट बचा है, ये 8 मिनट के बाद हम निकल जाएंगे। तो 8 बजे का जो सुबह का मुहूर्त रखना सीधा, तू आ रहा है ना, 8 बजे का मुहूर्त था आपके ब्लॉगर को, 8 बजे का मुहूर्त था, अरे रुकना, 4 बार तो भूल दिया, 8 बजे का मुहूर्त था, और एक बार बोलेगा आज तक वाले के जैसा, नहीं 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 8 बजे भारत निकलने तो वाला 10 बजे का मुहूर्त था, फिर आगे नहीं 8 बजे का घर से निकलने का था, और ये लोग 12 बजे घर से निकले, तो आप ही सोचो 4 घंटा लेट, इसके लिए हमको 4 घंटा डिले हुआ। इसी के साथ हमारा पैकअप होता है, थैंक यू सचिन भाई, ये हमारे वीडियोग्राफर थे, ये उनके असिस्टेंट, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई आने के लिए, नेक्स्ट शूट पे मिलते हैं कंफर्म कंफर्म, आपको आपके साथ काम करके भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे कंफर्म। हम लोग अभी
गोरेगांव पहुंचे, गोरेगांव में आके कैमरा भी दे दिया, फिर हम जा रहे हैं बोरीवली एक दिन से मिलने, फिर हम जाएंगे घाटों, फिर हम जाएंगे भोजपांडू। अभी हम निकल रहे हैं बोरीवली के लिए, क्योंकि बोरीवली में हमारा एक कोई तो इंतजार कर रहा है, फिर हम थोड़ा वहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे बोरीवली से घाटकोपर, घाटकोपर में तीनों को छोड़ के फिर घाटकोपर से हम जाएंगे घर पे, क्योंकि हर बार शूट पे मैं ही अकेला रहता हूँ घर पे जाने के लिए, क्योंकि बाकी सब जन सेठ लोग है ना, सबको छोड़ना रहता है घर पे। हम लोग अभी है महिंद्रा पार्क में, घाटकोपर के आगे कुर्ला में, जो कुर्ला के पहले जो आता है महिंद्रा पार्क, वहाँ पे आए, क्योंकि जो अपने मिस्टर डीआर है, मिस्टर डीआर को एक कैमरा वहाँ पे देना था और एक कैमरा यहाँ पे देना था, वहाँ पे मतलब एक कैमरा अपना फ्रीवे हाईवे के यहाँ पर और यहाँ पर महिंद्रा पार्क में आके दिया। तो ये रेनी, मिस्टर रेनी की वजह से हमको लेट हो चुका है, आज एक बज चुका है, अभी कितना एक बज रहा है, कितना बज रहा है, एक बज रहा है, पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, जो भी होगा मुझे अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा आप कमेंट करके बताना। सो अभी के लिए बस बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 5th ऑफ सितंबर, जो मैंने कल वेडिंग कंप्लीट की थी उनका ही थोड़ा सा 2 घंटे का रिचुअल्स है। सो मैं फिर से कुर्ला जा रहा हूँ, आज तो कुछ करने के लिए ज्यादा है नहीं, सिर्फ 2 घंटे का शूट है, उसके बाद मुझे जाना है बांद्रा क्योंकि शॉपिंग करनी है थोड़ी, क्योंकि 10 तारीख को मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, सो उसने बहुत बड़ा पार्टी रखा है, सो उसके लिए ड्रेस कोड रखा है, तो मेरे पास वो तो ड्रेस कोड है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कपड़े ही नहीं। आप ब्लॉग में देखोगे कि मैं हर एक कपड़ा रिपीट करते रहे, क्योंकि हम लड़के को कपड़े खरीदने मतलब क्या, अभी एक शर्ट हम लोग मतलब एक हफ्ता भी चला, थोड़ा लड़के लोग मतलब कैसा, लड़के लोग के पास कपड़े ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस कौन से भी शॉर्ट्स में या कौन से भी कपड़े में, कहीं पर भी नहीं, मैं तो शॉर्ट्स में पूरी मुंबई घूम चुका हूँ, तो अभी मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं बोला कि बांद्रा जाता हूँ कपड़े लेता हूँ। सो मेरे साथ एक और जन है जो कि वो कैमरे के सामने कम्फर्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि नई नई आई है ना अभी कैमरे के सामने, तो इसके लिए अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मिस्टर डीआर का, तो मिस्टर डीआर बोलते हैं कि मैं आ गया, अभी तक आया नहीं है, कहाँ मालूम कितना टाइम में आएगा, यहाँ पर मेरे को खड़े रहकर 10 मिनट के ऊपर हो चुका है, वो बोलता है कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, बट क्या बोले जब आएगा, और पब्लिक सब आते जाते देख रही है ना मेरे को क्या कर रहे हैं फोन में, तो मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है। इसी के साथ मिस्टर डीआर आ चुके हैं हमारे 10 मिनट लेट, क्या रे हर बार क्यों लेट आने का रे तेरे को, तू जल्दी आया वो बता मेरे को, मैं जल्दी आया, मैं 10:30 तेरे को बोला, और अभी टाइम क्या हो रहा है देख ले खुद ही, टाइम क्या हो रहा है, अरे मां कसम 8:02:10 बज रहा है इसमें, इसमें 8:10 बज रहा है, ये मतलब एक्चुअली मेरा नहीं है ये जी शॉक, जो कल घंटे पहले पहुंच चुका हूं मैं, मतलब मिस्टर मिस्टर हमारे साथ कल जो असिस्टेंट थे मिस्टर डिक, वो उनका जी शॉक है जो गाड़ी में भूल गए, तो मैं बोला क्या पड़े पड़े क्या करेगा पेन ले दो, तो अभी मैं ऐसी मजाक में उसको बोला कि टाइम कितना है ये ऐसा देखा, तो इसमें तो 8:10 बज रहे, इसमें तो मतलब सेल ही नहीं है। सो मैं अभी आपको क्या कहूँ कि आप जो देखते आ रहे हो कि 2-3 ब्लॉग से वही होते जा रहे हैं कि लेट हो रहा है फंक्शन, तो उन्होंने मुझे 11 बजे बुला दिया, मतलब 10 बजे ही बुलाया था, तो मैंने सोचा कि और थोड़ा सो जाता हूँ, 10:30 तो बज ही जाएगा, जो फंक्शन 10:30 बजे का होना था वो 12:30 बजे स्टार्ट हुआ, तो मैंने उनको बोल दिया क्योंकि मुझे 3 बजे कहीं पर अभी मैं जा रहा हूँ बांद्रा कपड़ा खरीदने, क्योंकि 10 तारीख को एक फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे खास फ्रेंड का बर्थडे है, सो उसने ड्रेस कोड रखा है, मैंने बताया था आपको, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं ब्लॉग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ मैं, इसके लिए भूलते रहता हूँ। मिस्टर डीआर को घाटकोपर छोड़ने गया, वहाँ पर तो छोड़ के तो उसके वहाँ पर तो पार्किंग मिली नहीं, मैं बोला कि वहाँ से पार्किंग लेके जागृति नगर से मेट्रो लेके मैं अंदर ही पहुँच जाता हूँ, बट अभी ऐसा हुआ कि वहाँ पर उसके बिल्डिंग में पार्किंग नहीं थी और बाहर भी पार्किंग नहीं थी, इसके लिए तो मैंने बोला कि चल छोड़, 32 मिनट्स लग रहे हैं। जो मेरे साथ आ रहे हैं उनको भी मैंने फ़ोन किया कि आपको कितना टाइम लगेगा, तो बोले कि मुझे भी 45 मिनट्स लगेंगे, मैं बोला मेरे को 32 मिनट्स लग रहे हैं, तो मैं कार ही लेके आ जाता हूँ, बोलते ठीक है गाड़ी लेके आ जाऊँ, तो ट्रेन से आ जाओ, तो बोलते ठीक है, देता एकदम सामने हमारे, और ये ट्रैफिक में बहुत बुरी हाल हुई है मेरी। सबसे पहले तो हम जाते हैं बांद्रा, ओके सो हम लोग बांद्रा से शॉपिंग कर लिए, जो हमारे साथ मैडम है वो हमसे आजकल बहुत ज़्यादा ही झगड़ा करने लग गई है, बट हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमने उनको अपना लिया, उन्होंने हमको अपना लिया है, अभी पीछे से हंस रही है, पहले तुझसे भी थोड़ा था? लड़की लोग का मूड कोई नहीं समझ सकते। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को बोला था भाई लड़की लोग को कोई नहीं समझ सकता, सच है। मैं इसको जा रहा हूँ बोरीवली छोड़ने फटाफट, क्योंकि अभी घर पे लेट हो गया है, छोड़ के फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ।
ना कंटिन्यू करूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बोरीवली से भांडुप चले जाऊँगा, घर पे जाऊँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं।